तो और भाई बहनों क्या हाल चाल है यार, बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं। यार एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना ही चैनल समझो। उम्मीद करता हूँ आप में से हर कोई जेमिन का फेब्रुअरी सेशन विदाउट फेल दे के आया होगा। आप से कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे, मोटिवेटेड होंगे कि यार जितने पढ़ाई की थी उस हिसाब से उतने नंबर आ रहे हैं या फिर उससे ज्यादा आ रहे हैं। कूडोस आपके स्मार्ट वर्क को। और आप में से कुछ लोग डीमोटिवेटेड भी होंगे कि यार प्रेशर में आके जितना नंबर आना चाहिए था मॉक के हिसाब से उतने हमारे जेई मेन में नहीं बन पा रहे हैं। और कुछ लोग इस बात से भी दुखी बैठे होंगे कि यार पहले काश थोड़ा सीरियस हो जाते तो आज हमारा जेई मेन का फरवरी अटेम्प्ट अच्छा गया होता। कोई बात नहीं भाई लोग, आप लोग एक चीज समझो, ग्रीफ एक ऐसी चीज है जो आपको प्रेजेंट में भी स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों करने से रोकती है। इस बात को समझो, है ना। आप लोग आज सोच रहे होंगे कि यार काश मैं वहां पे दो क्वेश्चन और बना लिया होता, बट द फैक्ट इज कैन यू चेंज दैट। आप अगर आज ग्रीफ में रहोगे, क्या आप अपना जेई मेन का एग्जाम जो आप 7 दिन पहले लिख के आए हो, क्या आप उसको चेंज कर सकते हो? मैंने कहा नहीं, आप उस चीज को चेंज नहीं कर सकते। आप क्या चेंज कर सकते हो, आप कितना अगले 3 जेई मेन का अटेम्प्ट, यानी कि जेई मेन मार्च अप्रैल और मई और उसके बाद द बाप ऑफ ऑल जेई एडवांस में कैसा स्कोर करते हो, तो इस बात के ऊपर रोना छोड़ दो कि हम जेई मेन के फरवरी में क्या करके आए हैं। जो गलतियां हुई है उससे सीख लो। अगर आप एक चढ़ाई करते हो, अगर आप पहले मोड पे ही चढ़ाई के आप कुछ सीख लेते हो ना, वहां पे आप कुछ सेटबैक मिलता है, आप सीख लेते हो, दैट इज एक्चुअली बेटर। आप समझो, आप चढ़ रहे हो, आप पहली चढ़ाई से गिर गए, ज्यादा चोट नहीं लगेगी। अगर आप सबसे ऊपर वाली चढ़ाई से गिरोगे ना, तब चोट लगेगी। आपके पास अभी भी मौका है, जो लोग जल्दी जल्दी चढ़ रहे हैं उनसे और आगे निकलने का। तो इसीलिए इस चीज को एज अ मोटिवेशन लो। मैंने कुछ दिनों पहले एक कम्युनिटी पोस्ट चला था, मैंने पूछा कि यार आप लोग क्या एकदम फ्री में एक मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स चाहिए, और मैं एकदम खुला दावा ले रहा हूं कि यार इस 10 दिन का क्रैश कोर्स को जो कि एकदम फ्री, अगर मेरे लोग ये आप लोग का पक्का मैं कह के दे रहा हूं 60 से 80 नंबर कन्फर्म है मैथमेटिक्स में। उससे ज्यादा भी आ सकता है लेकिन उससे कम बिल्कुल भी नहीं आएगा। समझो, अगर मैथमेटिक्स में 60 से 80 नंबर पूरे आ जाएंगे तो समझ लो क्वालिफिकेशन तो दूर की बात है, अपन टॉप के 1% के लिए लड़ाई करने वाले हैं। तो सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। कल की क्लास आपकी चालू हो रही है सुबह 9 बजे से, 10 दिन का कोर्स है, 11 तक चलने वाला है पूरा क्रैश कोर्स, और 12, 13 और 14 को आपके 6 शिफ्ट हुए थे जेई मेन फरवरी के। मैं हर दिन 2-2 शिफ्ट का पूरा पेपर एनालिसिस करने वाला हूं, तो प्लीज अभी के लिए एनरोल कर लो। सारे लिंक्स मैंने दे के रखे हैं। कल यानी कि 2nd of March को सुबह 9 बजे मैं चालू करने वाला हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पूरा दिन अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे, वहां के 12-16 नंबर अपन टैप इन कर लेंगे। उसके बाद अपन परसों यानी कि 3rd of March को करने वाले हैं क्या, अपन करने वाले हैं वेक्टर और 3D ज्योमेट्री, जहां से आपके 12 नंबर कंफर्म आते हैं। तो हर दिन अपन 10-12 नंबर कंफर्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक ऑर्थोडॉक्स टीचर की ऐसे जो कि आपको पूरा पढ़ा देगा, मैं वैसा नहीं कराता, मैं आपको बेसिक्स भी कराऊंगा, मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको बताऊंगा आप कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन द डे ऑफ जेई मेन, और इस फॉर्मूले को कहां पे लगाना है, इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में लगाना है या फिर इस क्वेश्चन में लगाना है। यहां पे आपके पास 2 फॉर्मूलाज है, यहां पे ये फिट होगा या फिर ये फिट होगा, देख के समझना है कि कम टाइम में कैसे सॉल्व करें। मैं आपको ये सारी चीजें बताने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, तो प्लीज एनरोल अभी से कर लो। अब बात करते हैं मेन वीडियो की। आज आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूं एक ऐसे इंसान की जिसकी आई थी ऑल इंडिया रैंक 1। ठीक है, हम ITJEE की बात करते हैं। तो एक समय था जब आपका AIEEE होता था, उससे आपको IITs में एडमिशन मिलता था, उसमें भी AIR1 लाना उतना ही मुश्किल था जितना आज है। जनता तब भी ITJEE देती थी, तब भी IIT में घुसना जाती थी, आज भी जनता IIT में घुसना जाती है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर मान लो आपका पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होने वाला है और आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो आपको जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको आप रिसीव भी नहीं कर पा रहे हो, उस चीज को अप्लाई भी नहीं कर पा रहे क्वेश्चंस में और कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पा रहे, आपको कैसा लगेगा? आप लोग बोलोगे यार वहां से तो चीजें टॉप के 1% में आना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको बोलूंगा वहां से एक बंदा AIR1 भी आया, तो आप लोग बोलोगे मजाक कर रहा है, झूठ बोलता है ना। आज इसी स्टोरी के ऊपर पूरी बात करने वाले, एक ऐसे इंसान की जो ज्यादा प्रिविलेज नहीं था, उसके पिताजी का सिर्फ और सिर्फ एक खेत था, वो एक मीडियोकर बैच में था बंसल क्लासेस के, जो कि आपके कोटा में है। कोटा इज कंसीडर्ड टू बी द मेका ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जितने भी आपके टॉप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन था उस सब का वो मेका है, सारे टॉप लोग वहां पे पढ़ने के लिए आते हैं, ड्रॉप लेके या फिर अपने 11th और 12th करने के लिए।
तो वहां पे जब मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जिन्होंने अपना 12th के बाद ड्रॉप लिया था, और ड्रॉप लेने के बाद जब वो एक साल बाद आए, मेरे जब फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, उनका ड्रॉप ईयर खत्म हुआ, मैंने उनसे पूछा कोटा में सबसे खराब बात क्या, उन्होंने बोला कोटा में सबसे ज्यादा हमको इनसिक्योरिटी होती है, क्यों, अगर कोई बंदा डीपीपी में भी हमसे एक या फिर दो क्वेश्चन ज्यादा कर लेता हमको उसमें बुरा लगता है। सो ये बात है, आप उतने इनसिक्योर नेगेटिव एनवायरमेंट में रह के भी आपको इंग्लिश नहीं आती है, और ऐसा भी नहीं है आज 2021 में आपके पास रीजनल लैंग्वेज में भी पेपर है। 2002 में जब AIEEE होता था सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज पेपर होता था, और आपके टीचर भी सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज में आपको पढ़ाते थे। तो आज के समय में अगर आप इतने एडवांटेजियस हो तब भी अपने लिए एक्सक्यूज ढूंढ रहे हो, उस बंदे के बारे में सोचो जिसको पहली बात उसको लैंग्वेज तक समझ में नहीं आती थी, जिसमें वो पढ़ रहा है, जिसमें अपने आपको एक्सप्रेस करना चाहता है, उसने वो लैंग्वेज सीखी, और वो लैंग्वेज सीखने के बाद उस बंदे की रैंक आई ऑल इंडिया रैंक 1 इन AIEEE 2002। अब मेरी बात समझो, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एक्सक्यूज ढूंढते हैं, और जब भी सामने से फायरिंग होती है एक्सक्यूज को आगे रख देते हैं, अच्छी रैंक क्यों नहीं आई, क्योंकि यार हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो, आपके पास मोर देन सफिशिएंट रिसोर्सेज इनफ है ना, आपके पास मोर देन सफिशिएंट रिसोर्सेज रखे हुए हैं जिनको एक्सप्लोर करके आप अपनी रैंक डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट में भी ला सकते हो जेई में। तो दिक्कत किस चीज की है, एक्सक्यूज की, आप कुकून में हो अभी, है ना, आप लोग बाहर निकलना नहीं चाहते, अपने लिमिटेशंस को आप क्रॉस नहीं करना चाहते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि उस बंदी के साथ क्या क्या चैलेंजेस थे, जिस दिन उसका IIT का रिजल्ट आया था किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, क्योंकि जो भी टॉप के आपके यू नो बैचेस है, जितने भी आपके टॉप के टीचिंग ऐसे मटेरियल्स होंगे, जितने भी आपके टीचिंग स्टाफ होंगे, वो समझते क्या होंगे कि जो टॉप के बैच का बंदा है वही टॉप करेगा, है ना। तो हर कोई अपना रिजल्ट निकाल ले, ऑल इंडिया रैंक 5, 10, 15, 20, 25, 45, 49 फलाना ढिमकाना, बट किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ये नहीं पता था कि हमारा AIR 1 किसका आया है, क्योंकि वो लोग अपने मीडियोकर बैच का रिजल्ट चेक ही नहीं करते। ये बंदा अपना मीडियोकर बैच का था बंसल क्लासेस का। उस बंदे ने जब दोपहर को वो गया कोटा में अपने इंस्टीट्यूट में, उसने बोला मेरा AIR 1 है, पहले किसी ने विश्वास नहीं किया, फिर जब लोगों ने लॉगिन करके देखा तब लोगों को समझ में आया क्या इस बंदे की है ऑल इंडिया रैंक 1। तो आप समझो दुनिया अभी आपको भी कुछ नहीं आंक रही है, वो बंदा टॉप कोचिंग में पढ़ता था, मीडियोकर बैच में, तब भी उसके कोचिंग वाले तक उसको नहीं आंक रहे थे। आपको दुनिया कुछ अभी आंक रही है, आपका जो भी जेईई मेन का रिजल्ट आ रहा होगा अभी, आपको भी दुनिया अभी कुछ नहीं आंक रही है। जब उस ऑल इंडिया रैंक 1 को नहीं आंका था उस समय में, तो आपको दुनिया कहां आंक रही होगी। बट ही टुक दैट एज अ चैलेंज अपॉन हिमसेल्फ, उसने खुद एक चैलेंज लिया होगा किसी ना किसी समय पे कि लोग मुझे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, ही वॉज जस्ट अ डार्क हॉर्स। बट द बेस्ट थिंग इज, आपसे जब उम्मीदें कम है, आप तब अगर उसको एज अ चैलेंज लोगे, आप तब अगर उसको एज अ खुद पे लोगे ना कि यार अब मेरे को सबको गलत प्रूफ करना है, मुझे दिखाना है कि यार मैं भी किस चीज का बनाऊं, मैं भी किस मिट्टी का बनाऊं, आप तब जाकर अपने लिमिटेशंस को एक्सीड कर देते हो। उस बंदे ने भी वही किया, क्या आप वो चीज कर सकते हो। खत्म करने के पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, उसके जो पिताजी थे है ना, जब वो बंदर क्लासेस के फाउंडर से मिले, उन्होंने बोला था कि यार आप प्लीज उसकी कोचिंग फीस माफ कर दीजिए, वो बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा एक दिन IIT जरूर जाएगा, ठीक है। जो बंदर क्लासेस के फाउंडर थे उन्होंने उसको कहा था, उसके पिताजी को कहा था बेसिकली कि अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है, अगर आपको फीस भरने में दिक्कत आ रही है, उसके पापा ने बोला था कि मुझे अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी, उन्होंने बोला अगर आप कॉन्फिडेंट इतना ही हो आपका बेटा IIT क्लियर पक्का करेगा तो आप जमीन बेच सकते हो, आपको अगर अपने बेटे पे पूरा भरोसा, और उस बच्चे को एक भी और मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसका पता था उसका पूरे खानदान उसके पीछे पड़ा हुआ है, अगर वो अच्छा करेगा हर कोई अच्छा रहेगा। आप लोग इस चीज को क्यों नहीं अंदर एडमिनिस्टर कर पा रहे, उस चीज को समझो कि आपके पास रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि आप कितने डेडिकेटेड हो। आप अगर आज मेहनत कर लेते हो, कम से कम मास्टर रिक्रूटर वाली नौकरी नहीं करनी पड़ेगी आपको, आज से लेकर 4 साल बाद रोना नहीं पड़ेगा प्लेसमेंट के लिए। मैं रो रहा हूं, कभी रो रहा हूं, मेरे प्लेसमेंट लग चुके हैं 8 महीने पहले, मेरे जितने भी Tier 3 वाले दोस्त हैं आज भी रो रहे हैं 5 लाख की नौकरी के लिए, मेरी नौकरी लग गई 14 लाख की। इसीलिए बता रहा हूं, आज मेहनत कर लोगे कल सुकून से जी पाओगे, ठीक है। सो दिस इट फ्रॉम माई साइड, समय आ गया है आप सब सल्ला लेने का, अलविदा।